हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन फॉर्मूलाज फॉर 3D शेप्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कराए हैं मेंसुरेशन फॉर्मूलाज फॉर 2D शेप्स। अगर आपको वो वीडियो देखनी है 2D शेप्स के, आपको मेंसुरेशन फॉर्मूलाज के बारे में जानना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप देख सकते हो। अभी हम स्टार्ट करेंगे 3D शेप्स। 3D मीन्स 3 डायमेंशन शेप्स। जैसे कि आपका रूम है वो क्या है, 3D शेप है। जैसे कि रूम की क्या है, 3 डायमेंशन है, लेंथ है, ब्रेथ है एंड हाइट है। तो अभी देखो 3D शेप्स में कौन कौन सी शेप आएंगी और उसके बाद में उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम के बाद हम क्या देखते हैं, एरिया भी। यहाँ क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, और उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी। उसके बाद एक होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है कि जो हम, जैसे कि आप अपने रूम की बात कर लो, रूम में क्या हो जाएगा, रूफ के एरिया को और फ्लोर के एरिया को छोड़ दोगे, उसके बाद में जो आपके पास एरिया बचेगा वो आपके पास कौन सा होता है, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। अगर आप उन दोनों एरियाज को ऐड कर लेते हो, मीन्स रूफ का और फ्लोर का एरिया आप ऐड कर लेते हो, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया। चलो अब देखते हैं क्या क्या फॉर्मूलाज है, और ये आपके लिए HLAT के लिए, PGT के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है, कि आपका इस टॉपिक में से 2D शेप्स में से भी क्वेश्चन आता है, 3D शेप्स में से भी क्वेश्चन आता है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप जल्दी से उसका आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है। आप यह चेक करने नहीं लगोगे कि वॉल्यूम, आप शेप बनाकर देखोगे कि वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे, वो सब भूल जाओ आप। आपको अगर अच्छे से टिप्स पर फॉर्मूलाज याद होंगे तो आप अच्छे से कर पाओगे, पेपर अटेम्प्ट हो पाएगा। अदरवाइज 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। तो अभी देखो क्या है, फर्स्ट क्यूब। अगर आपको इन शेप्स के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है कि आप क्यूब कैसे बनाओगे, क्यूब का फिर आप वॉल्यूम कैसे, इसका एक क्यूब हो गया, उसके बाद में क्या है कर्व सरफेस एरिया, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहीं से कर लेना। देखो क्या है, अभी मैं सिर्फ क्विक रिविजन करा रही हूँ आपकी HLAT के लिए, कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, बिकॉज क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, आपको भी पता है। तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4a² एंड टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a². क्यूबोइड, क्यूबोइड क्या होता है, क्यूब जैसा ही होता है, बट क्या है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होती है, अनइक्वल होती है। क्यूब में क्या होती है, इक्वल होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या हो जाएगी, जैसे कि यहाँ क्या था, a into a into a, तो यहाँ क्या हो गया कि एक, यहाँ ए को किससे रिप्लेस कर दोगे, एक लेंथ, ब्रेथ और हाइट से, तीनों से रिप्लेस कर दोगे, तो ये आपके पास वॉल्यूम ही आ जाएगा। ऐसे आपका कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2HL+B, और क्या होता है आपका टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2LB+BH+HL, और फिगर आपको पता ही है कैसा होता है। स्फीयर, स्फीयर क्या होता है, स्फीयर आपको, आपने बॉल देखी होगी, बॉल आपकी किस शेप की होती है, स्फीयर शेप की होती है। स्फीयर, बॉल, फुटबॉल, कुछ भी मान लो। जैसे ये क्या होता है आपको, वैसे तो 2D फिगर में तो ये आपको दिखाई देगा कि जैसे कि सर्कल बना रखा है, बट ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है। ये हम किस फिगर की बात कर रहे हैं, 3D फिगर्स की बात कर रहे हैं यहाँ। देन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 πr³ एंड कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया आपका क्या होता है, स्फीयर का सेम होता है, मीन्स 4πr² 4πr² हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मीन्स नेम से ही पता चल रहा है कि क्या है, स्फीयर का हाफ पार्ट है। इसीलिए जितना वॉल्यूम आपका स्फीयर का होगा, 4/3 πr³ था, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 2/3 πr³ किसका हो जाएगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा। ऐसे ही आपका क्या है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से हाफ हो जाएगा इसका, 2πr². अब यहाँ देखो, यहाँ चेंज होएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 3πr², और आपको पता है कि हाफ इसका, इसका हाफ कर दोगे तो आपको ये शेप मिलेगी। जैसे आप एक काम करना, बॉल का हाफ करके देखना, चलो रहने देना, बॉल को मत काटना। वैसे आपको ओके, बाउल ले लेना, बाउल आपको आपके घर में बाउल है, कटोरे हैं, या फिर कटोरी है, जो भी है, आप उसकी शेप देख सकते हो, इसी शेप की होगी, बोल मत काटना, ओके। अब क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर आपको पता है कि किस शेप का होता है, इस शेप का होता है। उसमें क्या होती है, आपके पास रेडियस होती है और हाइट होती है। अब देखो उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, πr² h, और क्या है कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, 2πr h एंड टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, उसमें क्या कर दोगे, यहाँ ऊपर ये जो सर्कल है इसका एरिया और इसका एरिया ऐड कर दो। और आपको पता है अपने 2D शेप्स में देखा था कि हम सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई
आर स्क्वेयर, और यहाँ क्या ऐड करना है, दो ऐड करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो आपके पास कर्व सरफेस एरिया था उसमें क्या कर दोगे आप, 2 पाई आर स्क्वेयर ऐड कर दोगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 पाई आर आर प्लस एच। और कोण का कैसे निकालोगे, कोण का वॉल्यूम क्या होता है, कोण किस शेप की होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। आपने बर्थडे कैप देखी है, जो आप बर्थडे पर यूज करते हो पहनते हो, वो आपके पास क्या होती है, कोण शेप की होती है। उसमें क्या होता है, आपके पास आर होता है रेडियस, हाइट मीन्स यहां से यहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, और एल क्या होता है, एल होता है हमारे पास स्लांट हाइट, स्लांट हाइट होती है, हम ये टॉप से और यहां तक जो लेंथ होती है ना, इसको हम बोलते हैं एल। और आपके पास एल आर और एच में रिलेशन होता है, ये भी आपका बहुत यूज होता है पेपर में, तो आप इस ये रिजल्ट आपको याद रखना है। उसके साथ साथ क्या है कि आपके पास वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है आप इससे याद कर सकते हो। देखो सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, उसका उसको क्या कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे, तो वो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ कोण का वॉल्यूम आ जाएगा। उसके साथ आपके पास कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, एल में और आर में एच में आपको रिलेशन पता है। अगर आपको क्वेश्चन में एच में दे रखा हो, एच दे रखा हो, तो आप क्या कर सकते हो, वहां से एल निकाल सकते हो। और टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर आर प्लस एल, ये आपके पास हो गए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब आप यहां आपने पढ़ा कि 3D शेप्स की हम वॉल्यूम एरिया मीन्स एरिया मीन्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और उनकी फिगर्स कैसी होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, बेनिफिशियल हो, इन्फॉर्मेटिव हो आपके लिए, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू।